नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। जी हां दोस्तों, आज के दिन दरभंगा एयरपोर्ट को, दरभंगा को, पूरे मिथिला को, पूरे उत्तर बिहार को सबसे बड़ा तोहफा दिया है बिहार सरकार की ओर से। जो जमीन अधिग्रहण का की जो फाइल थी उसे मंजूर कर लिया गया है बिहार सरकार ने, कि कैबिनेट की मीटिंग में इसे जो है मंजूर कर लिया गया और अब आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट कुछ इसी तरह से चमकता हुआ भव्य रूप में दिखेगा, जिस तरह से देहरादून में तैयार हुआ है, जिस तरह से पटना में तैयार हो रहा है, जिस तरह से बाकी शहरों में तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा ही चमकता दमकता हुआ भव्य दिखाई देगा दरभंगा एयरपोर्ट का नया सिविल टर्मिनल। क्योंकि आखिरी जो रुकावट थी, इसमें बाधा थी, वो दूर कर ली गई है और बिहार सरकार की तरफ से आज एक बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 336 एकड़ रुपया जो है वो मंजूर कर लिया गया है ज़मीन अधिग्रहण के लिए। तो ये जानकारी बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने ट्विटर पर दिया है और उन्होंने लिखा है कि ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मिथिला, यानी कि मिथिला की जनता की तरफ से, आई पे माय ग्रैटिट्यूड टू श्री नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करता हूँ फॉर हैविंग अलॉटेड रुपीज 336 करोड़, यानी कि जो उन्होंने 336 करोड़ रुपया दिया है इसके लिए, एक्वायरिंग 78 एकड़ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट दरभंगा एयरपोर्ट। जो दरभंगा एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा उसके लिए 78 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने के लिए जो 336 करोड़ रुपया उन्होंने दिया इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बिहार कैबिनेट टुडे, और ये बिहार कैबिनेट ने आज इसे मंजूर कर लिया है। ग्रेटफुल, एहसानमंद हूँ मैं आपका। तो ये सबसे पहली जानकारी, सबसे शुरुआती जानकारी संजय कुमार झा ने दी और बताया कि जो शाम 6 बजे बैठक हुई थी उसको मंजूर, उसी में इसको मंजूरी दी गई और 336 करोड़ रुपया जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट के लिए दे दिया गया है। यानी कि अब आने वाले दिनों में जल्द ही इसके ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और इसको लेकर IPRD बिहार की तरफ से भी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये जानकारी दे दी गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट का भी जिक्र था। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कह दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 12 एजेंडों पर मुहर लग गई है और इसी 12 एजेंडे में दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल है। और इसी इसमें इस ट्विटर हैंडल में ही वो लेटर, जो अप्रूवल लेटर या अप्रूवल जो स्लिप है वो इसमें जोड़ा गया था, जिसमें लिखा गया कि पटना में दिनांक 11 अक्टूबर को सोमवार को अपराह्न 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। और इसमें जो लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से सिविल विमानन निदेशालय की तरफ से लिखा गया है कि दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इनक्लेव का निर्माण कार्य संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य योजना अनुमानित मुआवजा राशि के भुगतान के लिए वित्तीय इतना इतना 3,36,76,00,000 रुपए जो है वो प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। और इसमें यह भी कहा गया कि इससे पहले जो है 31 एकड़ के लिए जो भू अर्जन किया गया था उसमें 1,21,00,000 रुपया के करीब दिया गया था, वो खर्चा करने के बाद बाकी की राशि जो अनुमोदित की गई है वो दी जाएगी। यानी कि जो राशि पहले से आवंटित कर दी गई है उसको भी इसमें जोड़ा गया है और वो पहले राशि आवंटित की जाएगी, उसके बाद जो बाकी राशि है वो खर्चा किया जाएगा। तो साफ साफ इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 336 करोड़ की राशि दी जाएगी और ये भूमि जो है वो निःशुल्क रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बिहार सरकार दे देगी अधिकृत करके। तो ये जो तय शर्तें थी वो शर्त के आधार पर बिहार सरकार ने दे रहा है, दुरुस्त आय वाली कहावत है, क्योंकि जून में ही NOC मिली थी अधिग्रहण के लिए और जून के बाद से अक्टूबर में समझिए कि ये मामला क्लियर हो गया। तो इस दिवाली और छठ से पहले और पहली एनिवर्सरी से पहले बिहार सरकार ने यह बड़ा तोहफा मिथिला की जनता को, उत्तर बिहार की जनता को दिया है। और दरभंगा रॉक्स भी लगातार आपको बता चुका था, इससे पहले भी बता चुका था कि बहुत जल्द ही इसकी फाइल आने वाली है और हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। और इस तरीके से ये बिहार के लिए या उत्तर बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात, बड़ा वरदान है कि आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, उसका एक भव्य रूप, इंटरनेशनल रूप नज़र आएगा कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से बाकी शहरों में है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, मेरे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज देखते हैं दरभंगा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।